यस बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाइव क्लासेस। आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट होम। फर्स्ट टू ज्वाइन अस आवर लाइव क्लास बेटा, फर्स्ट टू ज्वाइन अस टू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, चैप्टर द एनिमल्स किंगडम क्लास फर्स्ट चैप्टर। Yes, animals kingdom. First, you know there are some topics. First, you know about animal. Second. Fifth, other
सिंगड़म. देयर आर फाइव टॉपिक्स. फर्स्ट यू नो अबाउट द एनिमल्स. आप एनिमल्स के बारे में जानेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एनिमल्स. तो देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल्स. वेयर डू एनिमल्स लिव. एनिमल्स रहते कहाँ हैं. एंड व्हाट डू एनिमल्स ईट. एनिमल्स खाते क्या हैं. एंड अदर काइंड्स ऑफ द एनिमल्स. यू नो अबाउट द मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल्स. अंडरस्टूड बेटा. फर्स्ट यू नो अबाउट द एनिमल्स. एनिमल इज अ लिविंग क्रीचर. एनिमल फर्स्ट यू लिसन केयरफुली बेटा. फर्स्ट ज्वाइन अस टू अवर लाइव क्लास. विदाउट ज्वाइनिंग अस यू आर अनेबल टू अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड अंडर दिस पॉइंट्स आल्सो. देयर आर सम पॉइंट्स आई हैव रिटन. देयर आर सम पॉइंट्स आई हैव रिटन. फाइव पॉइंट्स अबाउट द एनिमल्स. यू नो टाइप्स ऑफ द एनिमल्स एंड व्हाट वेयर डू एनिमल्स लिव. व्हाट डू एनिमल्स ईट. And other kinds of the animals you know about. But first you join us in our live class. जब तक आप हमारे live class से जुड़ेंगे नहीं आप ना तो chapter समझ पाएंगे ना उसके अंदर topics. Understood? तो first you know about the animals. First you know about the animals. पहले आप animals के बारे में जानिए. What is animals? जानवरों के खान पान जानवरों के बारे में जानना ही क्या होता है. एनिमल्स किंगडम कहलाते हैं. एनिमल्स जानवर किंगडम मीन्स राज्य या उनका इलाका कह सकते हैं. अंडरस्टूड बेटा. उनका इलाका कह सकते हैं या तो उनका राज्य कह सकते हैं. अंडरस्टूड. व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ एनिमल. एनिमल्स मीन्स जानवर एंड किंगडम मीन्स राज्य या इलाका कर सकते हैं. क्या बोल सकते हैं. किंगडम मीन्स राज्य या इलाका. अंडरस्टूड. फर्स्ट यू नो अबाउट द एनिमल्स. एनिमल इज अ लिविंग क्रीचर्स दैट इज मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. एनिमल इज अ लिविंग क्रीचर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. एनिमल इज अ लिविंग क्रीचर दैट इज मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. अंडरस्टूड बेटा. व्हाट इज एनिमल. एनिमल इज अ लिविंग क्रीचर दैट इज मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. मीन्स दिस इज द फॉर्म ऑफ मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. मीन्स इट इज द पार्ट ऑफ सेलुलर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. अंडरस्टूड बेटा. एनिमल इज अ लिविंग क्रीचर दैट इज अ पार्ट ऑफ मल्टीसेलुलर यानी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. अंडरस्टूड. नेक्स्ट टॉपिक से बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल. यू हैव सीन मेनी टाइप्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल. इट इज अ पार्ट ऑफ मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. अंडरस्टूड. व्हाट इज एनिमल. एनिमल इज अ लिविंग क्रीचर दैट इज अ पार्ट ऑफ मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. अंडरस्टूड.
means different types of animals, animals living in the jungles and animals living with us as a pet. You have seen that there are two types of animals, means animals yes there are two types of the animal. First, animals living on land. Second, animals living on water. Yes, first you know animals. Animals living in the jungles. Different types of animals. You can see that there are the animals live in the jungle. The animals live in jungle that is called wild animal, like tiger, elephant, lion, deer, giraffe, rhinoceros, rhino, rhinoceros. Yes, there are means the animals live in the jungle that is called wild animal, or means that is called wild animal. उनको wild animal बोलते हैं, जंगली जानवर बोलते हैं बेटा. Animals living in the jungle, वे animal जो जंगल में रहते हैं, means the animals live in the jungles that is called, the animals live in the forest that is called wild animal. Some animals are, I have written animals name like tigers, elephant, lion, deer, giraffe, and rhinoceros also. Understood, beta? They live in the jungle. Next aata hai animals. Second topic. Animals living in pet means होता पालतू. It means क्या होता है बेटा, पालतू. Means animals living with us, ऐसे जानवर जो हमारे साथ रहते हैं, किसके रूप में, जब pet पालतू के रूप में. जैसे means the animals live with us as a pet that is called pet animal, that is called domestic animal. उसको domestic animal भी बोलते हैं, pet animal भी बोलते हैं. The animals live with us as a pet that is called domestic animal, that is called pet animal, like dogs, cats, rabbits, cows, buffalo, and parrots. So many animals beta. The animals live with us as a pet that is called pet animal, that is called domestic animal,
डोमेस्टिक एनिमल लाइक डॉग्स कैट्स रैबिट्स काउ बफेलो एंड पैरट्स वी टेक केयर यस वी शुड टेक ग्रेट केयर वी शुड टेक केयर ऑफ द पेट एनिमल्स लाइक ऐसे वी शुड फीड देम रेगुलरली वी शुड फीड देम रेगुलरली इंटरवल्स वी शुड बाथ देम रेगुलरली वी शुड टेक देम फॉर द वॉक्स वी शुड टेक देम टू अ वेटरन यस वी शुड टेक देम आउट फॉर द वॉक्स ऑल्सो यस बेटा मीन्स वी शुड टेक केयर ऑफ द पेट एनिमल्स लाइक वी शुड फीड देम रेगुलरली एज इंटरवल्स वी शुड बाथ देम उनको नहाना नहलाना चाहिए एंड वी शुड टेक देम आउट फॉर द वॉकिंग हमको उनको बाहर ले जाना चाहिए घुमाने के लिए एंड वी शुड टेक देम टू अ डॉक्टर फॉर अ हेल्थ चेकअप और हमको उनको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए ताकि उनकी हेल्थ का क्या कर सकें हम लोग केयर कर सकें अंडरस्टूड बेटा तो सम पॉइंट्स मीन्स रिलेटेड टू पेट एनिमल्स वी टेक केयर ऑफ द पेट एनिमल्स लाइक मीन्स वी शुड फीड देम हमको उनको खिलाना चाहिए समय समय पर एज इंटरवल्स वी शुड बाथ देम रेगुलरली वी शुड टेक देम आउट फॉर द वॉक्स एंड वी शुड टेक देम टू द डॉक्टर फॉर अ हेल्थ चेक अंडरस्टूड बेटा एंड नेक्स्ट टॉपिक आता है वेयर डू एनिमल्स लिव जानवर रहते कहाँ हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है एनिमल्स यस एनिमल्स वेयर डू एनिमल्स लिव नेक्स्ट टॉपिक्स वेयर डू एनिमल्स एनिमल्स लिव यस वेयर डू एनिमल्स लिव जानवर रहते कहाँ ठीक जानवर कहाँ रहते हैं उसके बारे में एनिमल्स लिव बोथ लैंड एंड वाटर आज वी हैव सीन सम एनिमल्स दे लिव इन वाटर एंड सम एनिमल्स वी हैव सीन दैट दे लिव ऑन लैंड यस द एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड दैट आर कॉल्ड लैंड एनिमल्स द एनिमल्स लिविंग इन वाटर दैट आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स अंडरस्टूड बेटा फर्स्ट लैंड एनिमल्स लैंड एनिमल्स सेकेंड वाटर एनिमल्स वाटर एनिमल्स यस बेटा द एनिमल्स लीव ऑन लैंड दैट इज कॉल्ड लैंड एनिमल द एनिमल्स लीव इन वाटर दैट इज कॉल्ड वाटर एनिमल्स वाट इज मीन्स लैंड एनिमल यू हैव सीन लैंड एनिमल एलिफेंट cow horse tiger lion etc so many animals you have seen etc so many animals you have seen that animals live on land that is called land animals like elephant tiger buffalo deer so many animals and the animals living in water that are called water animals like fish whale octopus shark snail eel and so beta the animals living in water that are called water animals like fish whale octopus shark snail eel so many animals Understood, beta? There are some animals like crocodile, tortoise, frog that can live both on land and in water. And some animals they live.
snake. Yes, they live both, means they live both on land and water, both land and water also. Means what do animals eat? Understood this topic? Where do animals live? Land animals and water animals. There are two types of animals, land animals and water animals. Animals live on land, that are called land animals, means like elephant, cow, horse, tiger, lion, and animals that live in water, that is called water animal, like whale, octopus, shark, so many animals. And some animals live both land and water, that means they are turtle, frog, snake and crocodile also. Next topic. We see it. Next topic, beta. Next topic. What do animal eat? What do animal eat? जानवर खाते क्या? ठीक ना? जानवर क्या खाते हैं इसके बारे में. यस, एनिमल लाइक काउज, गोट, डियर, हॉर्स, जिराफ्स ईट ग्रास एंड लीव्स. सम एनिमल्स लाइक लायन, चीता एंड टाइगर्स ईट अदर एनिमल्स. सम एनिमल्स लाइक बियर एंड क्रोज ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो. व्हेन यू गो इन द नेक्स्ट क्लास, क्लास सेकेंड थर्ड, यू मिस हॉर्सेस. The animal vegetables, green grass, that is called means क्या कह सकते हैं, vegetarian आप कह सकते हैं. Understood? But when you go in the upper class, you have seen different kinds, different types of the animals. तो Some animals eat other animals. Some animals eat other animals. They eat other animals. With दूसरे animal को खाते हैं. And but you have seen that some animals eat green grass and other animals meat also, like bear and crow also. Understood? Animals meat also. Understood, beta? You have seen, yes, see other kinds of the animals. Last topics, other kinds of the animals. Means दूसरे प्रकार के जानवर. means beside those animals you see other animals like birds. First you know about the birds. birds means क्या होता है बेटा? birds means होती है चिड़ियाँ. birds means क्या होती हैं? चिड़ियाँ. you have seen birds. two wings, yes, feathers and two legs. you have seen birds. birds have beak. beak means उनके जो beaks होते हैं, बिग मीन चूज बोलते हैं. एंड टू विंग्स, दो पंख होते हैं. फीदर्स, विंग्स. ये इंसेक्ट्स को खाते हैं. यस बेटा, दे ईट इंसेक्ट्स एंड ग्रेन्स आल्सो. ग्रेन्स मीन्स अनाज. बर्ड्स ईट इंसेक्ट्स एंड ग्रेन्स आल्सो. दे मेक नेस्ट आल्सो. सम बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले एग्स. कुछ बर्ड्स क्या होते हैं, नेस्ट बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं टू ले एग, अंडे देने के लिए. अंडरस्टूड? ऑलमोस्ट ऑल बर्ड्स फ्लाई. सम बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई. यू हैव सीन सम बर्ड्स, दे कैन फ्लाई इजली. वे आसानी से उड़ सकते हैं, लाइक स्पैरो. एग, अंडे देने के लिए. अंडरस्टूड? ऑलमोस्ट ऑल बर्ड्स फ्लाई. सम बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई. यू हैव सीन सम बर्ड्स, दे कैन फ्लाई इजली. वे आसानी से उड़ सकते हैं, लाइक स्पैरो.
स्पैरो, क्रो, पैरट, पीकॉक, पीकॉक, इट इज सो मेनी बर्ड्स, दे कैन फ्लाई इजिली इन द स्काई, बट सम ऑस्ट्रिच इन द स्काई, पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच, ये क्या बोलते हैं, आकाश में उड़ नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर हैवी बॉडी. यस, इंसेक्ट्स मीन्स होता है बेटा कीड़े मकोड़े. इंसेक्ट्स आर स्मॉल इन साइज एंड मोस्ट ऑफ देम हैव लेग्स एंड विंग्स आल्सो एंड लाइक बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई mosquito, grasshopper or some insects. Yes, you have seen insects in the compare of birds, they are very small. Insects are very small in the compare of birds. Means जो insects होते हैं birds की compare में very small होते हैं. Is all in size. वे size में क्या होते हैं, very small होते हैं. And insects in the compare of what they are very small in size. Insects are very small in size and they have wings and legs also, like butterfly. Yes, cockroach, mosquito, grasshopper. They are very small in size in the compare of birds. The insects are very small in size and they have legs and wings also, like butterfly, cockroach, mosquito, grasshopper. Yes, grasshopper. क्या कर सकते हैं? I have written some topics about the animals. I have told that animal is a living creature that is a part of multicellular and eukaryotic organism. And different types of animals. I told that some animals live on land. Animals live in water. As a pet, that is called the pet animal or domestic animal. According to yes, where do animals live? I told that some animals live on land, like horse, cow, elephant. You have seen. And some animals live in water, like frog, snail, tortoise, whale, shark. So many animals. And some animals live both land and water, like frog, snake, cockroach, crocodile, and other kinds of animals. May use types of. They have also wings and. Cockroach, mosquito, fly class. Then you understood the each and every topics and each and every points. Without joining us, you are unable to understood this chapter number 13 and under this topics also.